देखो। हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और ये देखो अनु अनु ओय ओय कर रहे है। देखो भाई अनु को अनु ओय ओय कर रहे है। और ये अनु ने पता क्या हुआ, मैं अभी वो बाहर से आई थी, उसको दवाई दिला के लाई थी, फिर मैं कुछ थोड़ा सामान भी लेके आई थी, तो मैंने इसको बिस्किट देके बिठा दिया, दवाई दे दी पहले तो, और फिर इसको बिस्किट लेके, बिस्किट खा ले मैं काम कर लूं थोड़ा। और ये ना बेड पे से गिर गया, पता नहीं कैसे अभी गिर गया, चोट हो गई अनु के, गंदू का अभी गिरता रहता है। और आज दिन है मंगलवार का 19 अक्टूबर, और आज है शरद पूर्णिमा, और आप सबको शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लो देंगे अभी जीजी। और ये देखो ये मखाने ने, मैंने खीर बनाऊंगी उसके लिए निकाल, अरे सारे नहीं लेते, खीर नहीं बनाऊंगी उसके लिए निकाल के रखे हैं। हाँ ले लो, हो दे दूंगी मैं, ये खा लो पहले। और हनु को चाहिए मखाने, लो दो ले लो हाथ में खा लो। और हनु को चाहिए मखाने। और आज ना 14 भी है, वैसे तो पूर्णमासी अभी लगी है, शाम से 6 बजे से लगी है, शायद 6:30 से, और फिर तो इसलिए शरद पूर्णिमा जो होगी वो आज ही होगी, और जो खीर बनाते हैं वो भी आज ही होगी। बेटा मुंह तो चल नहीं रहा है, देखो है, पहले खा तो लो सारे। और अभी फिर हम करेंगे, पहले पूजा करेंगे। अब पहले मैं सोच रही हूँ कि खीर बनती रख देती हूँ, उतना खीर बनती रहेगी, फिर मैं पूजा कर लूंगी, और बीच में ही बनूंगी क्या, फिर मेरे स्कूल देखने लग गई। तो अभी मैं पहले खीर रख देती हूँ बननी, शुरुआत कर देती हूँ खीर की तैयारी थोड़ी सी। और देखिए फिर यहाँ पे मैंने ले लिया था घी, और घी में मैंने ये जो है काजू बादाम, इनको थोड़ा रोस्ट कर लूँगी, और बस ज़्यादा नहीं करना है, बस 2 मिनट के लिए इनको रोस्ट करना है, वो भी सिम फ्लेम पे, लो फ्लेम पे, सिम पे ही करनी है गैस। और बस ये तो हो गया, अब मैं इनको निकाल लेती हूँ, फिर अब इसमें ही मैं डाल दूँगी मखाने, थोड़ी देर उनको फ्राई कर लूँगी, और फिर इसमें ही मैं छोड़ दूँगी दूध। ये मखाने मैंने ज़्यादा डाले हैं, खीर में सारे नहीं डालूँगी, थोड़े हनु के लिए रख दूँगी मैं भून के, थोड़े इसमें डाल दूँगी खीर में। ये देखिए कुछ तो मैंने निकाल दिए हैं, और ये छोड़ दिए हैं खीर के लिए। और अब की बार ना जो पैकेट आया वो मैं लेके आई, इसलिए वो ख़राब आ गया है, वो बाहर से तो बड़े अच्छे दिख रहे थे, उसमें बड़े बड़े मखाने, और अंदर ये बिल्कुल ही बारीक निकले हैं। नहीं तो हमेशा हनु के पापा लेके आते हैं, अच्छे मखाने लेके आते हैं, इस बार मैं लेके आई तो ये ख़राब हो गए, ख़राब भी नहीं है पर बहुत ही बिल्कुल बारीक दाना है। और बस अब मैंने छोड़ दिया इसमें दूध, और दूध लिया है मैंने ये 1 किलो दूध लिया है, और जो मलाई आई हुई थी ना वो भी मैंने इसमें ही डाल दी, क्योंकि मलाई कई दो मलाई होती है तभी अच्छा सा बनती है खीर। और ये देखिए यहाँ पे ये मैंने जो है ना आधा कप चावल लिए हैं, ये मैंने 10 मिनट भिगो के लिए रख दिए थे, ज़्यादा नहीं लिए हैं, आधा ही कप लिए हैं बस, और 10 मिनट तक इनको भिगो के छोड़ दिए थे। और अब मैंने ये बॉईल आने के बाद डाले हैं चावल इसमें दूध में। और ये देखो हनु भी यहीं पे चढ़ रहा हुआ था, और ये सरसों रखी हुई थी, इसने सारी सरसों रसोई में बिखेर दी थी, पीली सरसों थी। और फिर मैं यहाँ पे खीर रख के और हनु को लेके फिर मैं सोचा कि चलो मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर मैं आ गई थी इधर पूजा करने के लिए। और यहाँ पे फिर हनु बोले थे मम्मा घंटी की घंटी बजाओ, बड़े परेशान करता है, बार बार हाथ दिए के लगाता रहता है, प्रसाद उठाने की जिद करता है कि बस पूजा होती नहीं है, और ये प्रसाद पहले खा लेता है। और मैं बोलती हूँ कि बेटा आप बेड पे से पूजा कर लो, तो नहीं इसको ऊपर ही आके पूजा करनी होती है। और मैं पढ़ रही थी यहाँ पे लक्ष्मी चालीसा शरद पूर्णिमा में, पहले गणेश चालीसा पढ़ी, फिर लक्ष्मी चालीसा, और फिर आरती वगैरह। और बस यहाँ पे बीच में मैं एक दो बार खीर भी देख के आई थी, क्योंकि खीर मैंने सिम पे रख दी थी, पर फिर भी उसको चला के आई थी मैं बीच में। और यहाँ पे हन जोड़ रहा था, हाथ जोड़ रहा था, बस बोल रहा था कि भगवान की जय, और पता नहीं इसने कहाँ से सीखा है, अब बोलता रहता है मंदिर में जाके कि भगवान जी सॉरी, कान पकड़ के सॉरी बोल लेगा कि भगवान जी सॉरी। मैं पूछती हूँ कि बेटा आप सॉरी क्यों बोल रहे हो, तो बस ऐसे ही बोलता रहेगा मम्मा भगवान जी सॉरी, भगवान जी कहता है ये भगवान जी को। देखो यहाँ पे भी बोल रहा है सॉरी, मैं बोल रही थी बेटा माता की जय कर लो, तो बोलता है हाँ मम्मी माता जी की जय, और सबकी जय करते हैं ये, ऐसा नहीं है, खुद से भी कर लेते हैं, मंदिर में अकेला आके यहाँ पे खड़ा हो जाता है जब मैं कुछ काम करती रहती हूँ, और फिर बोलेगा मम्मी हनु भगवान जी पास आया है, हनु भगवान जी जय कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे थे आरती, और ये जीत करते हैं प्लेट पकड़ने की। देखिए यहाँ पे भी डर लगता रहता है दिए गिरने का। और फिर यहाँ पे देखिए ये खीर भी पक गई थी, इतना मैंने पूजा पूजा करी। यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट्स, जो काजू बादाम मैंने पहले रोस्ट किए थे उनको कटिंग कर लिया, और डाल देती हूँ मैं चीनी भी, ये 5 चम्मच चीनी डाली थी मैंने यहाँ पे, अपने अनुसार डालो जैसा मीठा खाते हैं हम, बस ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, मीडियम ही मीठा अच्छा लगता है इसमें खीर में।
और अब मैं इसको चला के थोड़ी देर और छोड़ दूंगी पकने के लिए ही। और यहाँ पे ना मैंने केसर का दूध भी रख दिया था, थोड़ा गर्म दूध ले लिया था, उसमें केसर के धागे डाल दिए थे 3 से 4। और अब वो दूध भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी, मिक्स कर दूंगी, अच्छे से मिला दूंगी इसको। और बस अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए और पकने के लिए छोड़ देती। और देखिए ये पक कर इतनी अच्छी हो गई है। और अब बस अब इसको मैं छोड़ देती हूँ ठंडा होने के लिए। और खीर भी अच्छे से कड़ा होकर बनाओ तभी अच्छी बनती है। अब इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देती हूँ बस मैं। देखिए हमारी खीर भी ठंडी हो गई थी, फिर मैं इसको निकाल लूँगी इसमें एक बाउल में सारी खीर को। और इसमें से कुछ भी नहीं लिया है, सुबह भोग भी सुबह को ही लगाऊंगी। अब मैं इसको रख के आऊँगी छत से। और ये देखिए सारी खीर निकाल ली है मैंने इसमें ऐसे ही। और अब इसमें थोड़ी गार्निशिंग के लिए ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ, काजू बादाम वगैरह। और इसको ना मैं एक कपड़े से बांधूंगी। दिखाने भी है कि घूम रहा था, इसके पापा आ गए थे बीच में और फिर बोले थे कि उनके साथ जाने की जिद कर रहा। मैंने बोला कि बेटा ऊपर चलेंगे छत के माँ जी पास, तो फिर इसको बस लग रही थी कि माँ जी पास चलो। और मैंने ये कपड़ा लिया है, सूती कपड़ा है, ये कॉटन का कपड़ा है। इसको मैं बांध दूँगी पहले, जिसे कि इसमें कुछ गिरे ना। और फिर एक कपड़े में या दुपट्टे वगैरह में रख के मैं इसको ऊपर जो तार सुखाने वाले होता है तार उसको बांध। तो ये देखिए खीर मैंने बांध के ना तैयार कर लिया है, इस बाउल में रख लिया है ये बांध करके। अब ऊपर रखाएंगे इसको। और हनु देखो ऊपर छत पर जाने के लिए कितना खुश है। हनु हम कहाँ जाएंगे? इस पर हाथ नहीं रखते, गंदी बात, गरम हो रहे वो। हाँ गम है बेटे, चलो चलो अभी चलते हैं। कहाँ जाएगा नू? माजी पास जाएगा ये, माजी पास। चलो माजी पास चलते हैं, चलो आओ। तो चलिए फिर अभी लेकर के चलते हैं ऊपर रखने के लिए, चलो फिर। और फिर ऊपर रख के आ गई थी मैं। और ये नेक्स्ट डे का है, सुबह मॉर्निंग में फिर मैं खीर लेके आई थी। मैंने कपड़े वपड़े धुल लेते, काफ़ी लेट हो गया था, 9 बज गया था मुझे पूजा करने में भी। फिर मैं छत पे ही कपड़े डाल के आई थी और खीर उठा के लाई थी ऊपर से। आंटी ने वो पहले ही उतार के रख दी थी, क्योंकि सुबह ही ना मंकी आ जाते हैं 6-7 बजे के करीब, और 7 बजे तो मैं सोती उठी थी। तो फिर मैं कपड़े वपड़े अपने काम में लग गए, फिर आंटी ने उतार के रख ली थी वो। और फिर अनु के पापा तो बोल रहे थे कि तेरी खीर तो मंकी खा जाएंगे। मैंने कहा जो खार मंकी ने खाई होती तो फिर अब तक पता आ जाता कि आंटी ने उतार के रख ली होगी। यहाँ पे बस मैं पूजा कर रही थी और फिर बनाऊंगी नाश्ता। और देखिए फिर मैं आ गई हूँ जल्दी सूर्य को, और यहाँ पे मैंने भोग भी लगा दिया है। और हनु को जल्दी हो रही थी प्रसाद लेने की कि मम्मा प्रसाद दे दो, फिर मैं इसको यहाँ पर मिश्री का प्रसाद दे दूँगी पहले। खीर तो मैं पहले रोटी बनाऊँगी और उस पर गाय के लिए निकाल लूँगी। और यहाँ पर मैं इसको देर के आती थी, फिर अनु पापा भी आ गए थे नहा धुल के, ये भी अपने हाथ जोड़ लेंगे। और फिर बस मैं यहाँ से जाके बनाऊँगी अपना रोटी बनाऊँगी, फिर गाय का निकाल के फिर इनको नाश्ता दूँगी। और बस ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि शरद पूर्णिमा के दिन कौन कौन खीर बनाते हैं। और यहाँ पे जो मैंने भोग लगाया था प्रसाद का मंदिर में, वो सारी खीर मैं एक जगह मिक्स कर दूँगी और इसको निकाल दूँगी मैं 2 बाउल में। ऊपर आंटी के यहाँ देके आऊँगी। और हनु के पापा के लिए निकाल ली थी खाने के लिए, गाय के लिए अलग निकाल ली थी। और आप मेरे को सबको बताना कि शरद पूर्णिमा पर किस किसने खीर बनाई है और सब क्या क्या करते हैं। बस हम तो खीर बनाते हैं और पूजा कर लेते हैं हाथ जोड़ के जैसे डेली करते हैं, और व्रत वगैरह तो नहीं रखती मैं। तो चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं आपसे एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। और यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। हाँ सॉरी। और देखिए यहाँ पे मैं रोटी भी बना रही थी, मैंने सोचा कि चलो एक रोटी तवे पर डाल के जाती हूँ और इसमें मैं घी लगा के दे दूँगी हनी के पापा को खाने के लिए। तो लीजिए आप लोग भी भोग लगा लीजिए, आप भी टेस्ट कर लीजिए खीर का, और बताना मेरी खीर कैसी बनी है और शरद पूर्णिमा पर खीर किस किसने बताई, सब लोग मेरे को कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, धन्यवाद।